रोटेशन हमने पूरा डिस्कस कर लेता है जिसकी वजह से डे और नाइट होता है ठीक है अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं रेवोलूशन रेवोल्यूशन की वजह से सीजन होते हैं ठीक है सीजन्स में चेंज होता है देखिए लिखा है चेंज ऑफ सीजन द अर्थ नॉट ओनली रोटेट ऑन इट्स एक्सिस बट ऑल्सोल्स अराउंड द सन देर फॉर द अर्थ पोजिशन वेरीज कंटिन्यूअस विद रिस्पेक्ट टू द सन देयर आर फोर मेन पोजिशन ऑफ द अर्थ फॉर रिवॉल्विंग अराउंड द सन सिंग सीजनल चेंजेस ऑन द अर्थ ठीक है ये ये एक इंपॉर्टेंट देखिए ऐसे पॉइंट है कि चार मेन पोजिशन होती है अर्थ की क्या होती है अर्थ की अर्थ ये होती है चार मेन पोजिशन ठीक है उसकी वजह से आपके सीजनल चेंजेस होते हैं जब वो अर्थ जो है रिवॉल्व करता है सन के अराउंड तो उसमें चार मेजर पोजिशन होती हैं जिसकी वजह से चेंज ऑफ सीजन या सीजनल चेंजेस आते हैं ठीक है आप बताते हैं पोजिशन ऑन इक्कीस जून को कौन सी पोजिशन होती है एट दिस पोजिशन द सन परपेंडिकुलरली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिस सिचुएशन इज कॉल्ड समर आफ्टर मार्च ट्वेंटी ड्यूरिंग द डे इन द नॉर्थन टू इंक्रीज विच गेट समर जून ट्वेंटी वन द डे टाइम इज़ द लॉन्गेस्ट इन नॉर्दर्न हमिसफियर अब क्या होता है कि द सन शाइन्स पर्पेंडिकुलरली ओवर द टॉपिक ऑफ कैंसर इक्कीस जून को क्या होता है सन जो है ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर के एकदम नाइन्टी डिग्री यानी पर्पेंडिकुलरली एकदम उसके ऊपर जो है शाइन कर रहा होता है इस वजह से इक्कीस जून को हम जो है नॉर्दर्न हेमिसफियर का सबसे बड़ा दिन कहते हैं या फिर इस दिन सबसे बड़ा दिन होता है रात बहुत छोटी होती है दिन बहुत बड़ा होता है क्या होता है इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं समर सॉल्स्टिस इक्कीस मार्च के बाद क्या होता है सन ना नॉर्थ की तरफ थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होने लगता है ठीक है उसकी वजह से क्या होता है नर्दर्न हेमिसफेयर में हमारा दिन बड़ा होने लगता है रातें छोटी होने लगती है और सीजन कौन सा जाता है समर आ जाता है इसी में 21 जून को लॉन्गेस्ट डे होता है नर्दर्न हेमिसफेयर में ठीक है अब बाईस दिसंबर को पोजिशन देख लेते हैं इस समय क्या होता है सन परपेंडिकुलरली कहाँ पे शाइन कर रहा होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे इस कंडीशन को हम बोलते हैं विंटर सॉल्सटिस इसमें क्या होता है सदर हेमस्फेयर में दिन लॉन्ग डेज लॉन्गर होता है और रातें छोटी हो जाती हैं क्या होता है सन जो है ग्रेजुअली साउथ की तरफ शिफ्ट होने लगता है और आफ्टर तेईस दिसंबर और इसमें क्या होता है ये नॉर्दर्न हेमोस्फेयर से जस्ट अपोजिट है और क्या होता है ठंडी का सीजन आने लगता है ठीक है आफ्टर ट्वेंटी सेकेंड फिर क्या होता है सन अगेन स्टार शिफ्टिंग क्रॉस द इक्वेटर ऑफ द इक्वेटर बाई इक्कीस मार्च क्या होता है यहाँ पे एग्जैक्ट अपोजिट होता है किसके जो आपके यहाँ पे 21 जून को हुआ है ना इससे जस्ट एग्जैक्ट अपोजिट यहाँ पे पोजीशन हो जाती है एट दिस टाइम एग्जैक्ट अपोजिट अपोजिट सीजन इस सीन इन द नॉर्दर्न हेमस्फियर मतलब इस समय यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है पहले वहाँ पे क्या है गर्मी होती है फिर यहाँ पे ठंड होती है ठीक है पोजिशन फ्रॉम इक्कीस मार्च टू तेईस सेप्टेम्बर क्या हो देख लेंगे तो इन बोस्ट दी सिचुएशन द सन शाइन परपर्टिकुलरली ओवर द इक्वेटर सन जो है शाइन करता है इक्वेटर के जस्ट नाइन्टी डिग्री पे therefore at this time half part of the latitudes receives sunlight so days and nights are equal at this time due to equal duration of day and night similar similarity of seasons occur एंड इट इज नोन एज इक्नोक्स क्या होता है यहाँ पे जो सन होता है आपका वो इक्वेटर के पेंडिकुलर शा, शाइन करता है इक्कीस मार्च से तेईस सेप्टेम्बर के बीच तो इसमें क्या होता है आपके दिन और रात जो है वो लगभग इक्वल टाइम के हो जाते हैं और इस नाते जो सीजन्स होते हैं ना वो काफ़ी सिमिलर होते हैं ठीक है देखिए आप इक्कीस मार्च से तेईस सेप्टेम्बर से के बीच जो है काफ़ी सिमिलर जो है सीजन्स होंगे उस वजह से इसको क्या कहते हैं इक्विन मार्च इक्कीस को क्या होगा ऑटम इक्विश होता है और ये आपको डेट के साथ याद रखनी है ठीक है कि मार्च इक्कीस आपका क्या है स्प्रिंग है और तेईस सेप्टेम्बर आपका क्या है ऑटम इक्विनॉक्स ठीक है अब जाते हैं टाइट्स टाइट्स क्या होती हैं टाइट्स क्या होती हैं जो आपके समुद्र में या ओशियंस में क्या होता है राइज एंड फॉल होता है आपके वाटर का किसकी वजह से होता है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड मून उनको क्या बोलते हैं उनको हम टाइट्स बोलते हैं तो टाइट्स क्या होती हैं जो आपके ओशियंस में क्या होता है राइज एंड फॉल ऑफ वाटर होता है या समुद्र में तो उसमें क्या होता है राइज ऑफ फॉल ऑफ वाटर किसकी वजह से होता? होता है ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ऑफ़ सन एंड मून की वजह से जो राइज एंड फॉल होता है वाटर में उसको बोलते हैं हम टाइड द वेव रिजल्टिंग फ्रॉम दिस आर कॉल्ड टाइडल वेव्स द सन इज मच लार्जर दैट द मून हाउ एवर द ग्रेविटेशनल पुल एग्जेड बाई द मून इज ट्वाइस एज दैट ऑफ द सन भले देखिए सन जो है बड़ा है बहुत ज़्यादा मून से साइज में हर चीज में बट ग्रेविटेशनल पुल जो होता है वो मून का ट्वाइस है सन से ये चीज़ यहाँ नोट करने वाली है ठीक है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून इज ट्वाइस दैट ऑफ द सन ठीक है exerted by the moon is that uh, twice that of the sun therefore the reason for this is that the sun is far away from the earth acha iska reason kya hai kyunki sun jo hai bahut dur hai earth ke comparatively to moon is wajah se moon ka jo gravitational pull exert exerted by the moon वो जो है ट्वाइस होता है सन से ठीक है क्या होता है टाइट occur twice in each phase. अच्छा 24 घंटे में दो बार जो है टाइट्स uh, आती है नीचे प्लेस वेन द सन द अर्थ एंड द मून आर इन स्ट्रेट लाइन हाई टाइट एक्सपीरियंस एज अ रिजल्ट द कम्बाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स दिस कंडेन इज कॉल्ड सिगी ठीक है दिस है ऑन फुल मून एंड न्यू मून अब देखिए ये इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे आया कि सिगी क्या होता है कि जब सन अर्थ और मून एक स्ट्रेट लाइन बनाता है तो एक हाई टाइट का एक्सपीरियंस होता है स्ट्रेट लाइन में आ जाता है सन अर्थ और मून तो अब एक हाई टाइट का जो है एक्सपीरियंस होता है बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसको क्या हम बोलते हैं इसको सिगी बोलते हैं ये क्या होता है ये फुल मून और न्यू मून के टाइम होता है ठीक है ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रिकल फोर्सेस टाइट्स ऑकर्स आफ्टर एवरी ट्वेल्व आवर्स ईच प्लेस किन दो फोर्सेस की वजह से आपको याद रखना है ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रिक फोर्स की वजह से हर बारह घंटे पे ईच प्लेस पे टाइट्स ऑकर होते हैं ठीक है बट इट ऑकरस लेट बाय ट्वेंटी सिक्स मिनट्स पर डे छब्बीस मिनट रिलेट देरी से होते हैं द रीजन फॉर दिस इज दैन मून इज मूविंग रिलेटिव टू द अर्थ अच्छा जो छब्बीस मिनट की देरी होती है क्यों होती है क्योंकि मून जो है वो है, जो है मूव करता रहता है ठीक है अर्थ के रिलेटिव में ठीक है द टाइडल मैक्सिमम इज़ हाइस्ट इन द बे ऑफ फंजी लोकेटेड इन न्यू बर्सविक एंड नोवा स्कोशिया कैनेडा वेयर इज द हाई ऑफ़ अ टाइड इज़ ओनली टू पॉइंट फाइव मीटर ओ का कोस्ट ऑफ गुजरात इंडिया अच्छा ये हाइट का डिफरेंस बताया गया है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे बे ऑफ फंडी में तो पंद्रह से अट्ठारह मीटर है जबकि टू पॉइंट फाइव मीटर ही है गुजरात में ठीक है ये है आपके टाइट्स के टोटल टाइट का इंट्रोडक्शन हो गया टाइट क्या होती है किस वजह से होती है ठीक है अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट हो तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा आई होप आपको समझ में आया हो और अगर अब अभी तक आपने चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करिए बेल बटन को करा ना ना भूलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग